अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? हम बना रहे थे बेस्क्यू स्टिच, ठीक है। तो वो वीडियो मेरी इनकम्प्लीट मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो अब हम दोबारा से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। ये देखें, हमने इतना बनाया था। ये पार्ट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी जब नीचे से भाई ने मुझे आवाज़ दी ज़ोर से, क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी मैं उनको इंजेक्शन लगा के आई थी, तो इस वजह से मैं ये दोबारा बना रही हूँ, ठीक है। लेकिन वो पार्ट भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। प्रॉब्लम मैंने बता दी है मेरे साथ क्या हुई थी। ये देखें, इस तरीके से हमने स्टिच लिया। वो पार्ट आप देखेंगे ना तो फिर आप लोगों को सही से सारी समझ आ जाएगी, तो मैं इसलिए यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। थोड़ा टफ सा भी लग रहा है तो इजीली समझ आ जाएगा। ये देखें, ये थ्रेड निडल के नीचे है। अब हमने इसको इस साइड से यूं घुमाना है निडल के फ्रंट पे, यहाँ हमने इसको क्लोज करना है, ठीक है। और ये वाला जो दोबारा से निडल है हमने यहाँ से निकालनी है, ठीक। फिर से ये देखें, यहाँ से स्टिच लिया, यहाँ पर आपने उठाना है तो उसको दोबारा से, ये देखें, ये जो आपका थ्रेड है इसको आपने यूं रैप करना है निडल के फ्रंट पे। बेस्क्यू स्टिच, आप लोग अपने पास प्लीज स्टिच लिखा लाजमी करें, क्योंकि आपको इनके नाम भी याद रखने हैं और मेंटेन रखने हैं अपने पास, कि आपके सिलेबस में जैसे अगर आप किसी को बताएं भी, क्योंकि आपकी जो पोर्टफोलियो होगी, जो उसका फ्रंट पेज आप बनाएंगे, इंडेक्स जिसको कहते हैं, उसमें भी आपको सारे स्टिच जो भी आपने अपने पोर्टफोलियो में बना के लगाने हैं, उस तरीके से जैसे वन बाय वन लगाएंगे, उसी तरीके से वन बाय वन आप नाम लिखेंगे, और जो आप मोटिव बनाएंगे उसके ऊपर भी आप एक छोटा सा टैग लगाएंगे, ठीक है। मैंने अपनी पोर्टफोलियो की वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, पिक्चर शेयर की हुई है, तो उसको देख के आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कैसे बनानी है। ये देखें, इस तरीके से रैपिंग देनी है आपने फ्रंट पे निडल की। ठीक है, ये देखें, हम वहां से डक भी यहां आ सकते हैं, लेकिन इजी वे में आप लोगों को समझ आए इसलिए मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। मैं वैसे भी स्टिच लेके बताऊंगी, मैं आप लोगों को वो पार्ट भी सेंड कर दूंगी। और मेरे वालिद के लिए भी प्लीज़ दुआ लाजमी कीजिएगा, क्योंकि उनकी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, तो उसी परेशानी में मेरी वो सारी वीडियो मैंने गड़बड़ की है, ठीक है। ये देखें, अब जिस तरीके से मैं कह रही थी कि हम डायरेक्ट भी निडल निकाल सकते हैं, आपने अपने थ्रेड को भी साथ साथ बैलेंस रखना है। ये देखें, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपने यहाँ से निडल अंदर ली और इस साइड से आपने बाहर निकाल ली, कि आपको नीचे जाके दोबारा ऊपर आने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से ही सारा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम इस तरफ से स्टिच लेंगे, ये हमने स्टिच लिया, ये निडल तो हम थ्रेड हम निडल के बैक पे रखेंगे नीचे साइड, ठीक है।